हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद. वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी. दोस्तों, हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे थे और फ्रेजल वर्ब के सीरीज़ में मैं आपके सामने एक और सेशन लेके आया हूँ. और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात कर लेते हैं. मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रेंशन पढ़ा रहा हूँ. आई हैव क्लियर वेरियस एग्जामिनेशंस. आई हैव 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश. आई हैव मेंटर्ड 10,000+ स्टूडेंट्स टिल नाउ. हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं. क्रैक CDS FKET CAPF विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का और अपने एग्जाम में एग्जाम को पास करने के जो परसेंटेज चांसेज हैं उसको इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा मौका है. क्या क्या मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में, उसकी बातें कर लेते हैं. सबसे पहले डेली लाइव क्लास मिलता है जिसमें आप चैट विथ योर एजुकेटर, एंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स एंड आंसर पोल्स. ठीक है, आप चैट कर सकते हैं एजुकेटर के साथ, एंगेज अपने डाउट पूछ सकते हैं और लाइव क्लास के दौरान आप आंसर दे सकते हैं पोल में. पोल में आंसर देने का बहुत ही अच्छा ये है, आप देख के देखें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं यानी कि किसी एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज बनाए जाते हैं. ऑल द कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट. सबसे अच्छे तरीके से कब प्रिपेयर कर पाएंगे, जब सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम शानदार तरीके से तैयारी हो रही हो, तो स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलते हैं. नेक्स्ट है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जो आपको टेस्ट और क्विजेज देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यहीं से आपको पता चलेगा कि कैसा आपका पेपर होने वाला है, कैसे आपको उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपना पेपर कंप्लीट करना है और एग्जाम में प्रेशर हैंडल करने की जो आदत है और सिली मिस्टेक्स को कम से कम करने की जो हैबिट डेवलप होती है वो लाइव टेस्ट और क्विजेस से होती है. तो ये सबको ज्यादा से ज्यादा देने हैं जो कि अवेलेबल है आपके यहाँ पर. नेक्स्ट है आपके सामने अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है आपने जितने पीरियड ऑफ टाइम का सब्सक्रिप्शन लिया है उतने पीरियड ऑफ टाइम में आप कितनी भी क्लासेस देख सकते हैं, आप कितने भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. देखो, अनअकैडमी लाता है आपके सामने इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत ही एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं. ये बनाते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स. आप अगर CDS FKET या CAPF कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं, इसका मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, तो इस 12 मंथ्स में आप CDS के जितने भी कोर्सेज हैं सब एनरोल कर सकते हो, FKET के CAPF के जितने भी कोर्सेज हैं सब एनरोल कर सकते हो, कोई लिमिटेशन उस पर नहीं. आइए भैया, करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से. जिसने नहीं किया तुरंत करें, क्योंकि यहाँ हमारे पास में फ्री लाइव क्लासेस भी है जिसमें आप फ्री भी पढ़ सकते हैं, जो सबके लिए फ्री होती है क्लासेस वो भी ले सकते हैं, और उसके अलावा सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन. और इनके लिए क्या करना होगा वो अपन देख लेते हैं. सबसे पहले फ्री अनलॉक फ्री कॉन्टेंट विथ माई कोड, मेरे कोड के साथ कैसे आप अनलॉक करेंगे. फर्स्ट स्टेप में आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद लॉग इन करें. आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद गोल सेलेक्ट करें. गोल सेलेक्ट आप कर लेंगे CDS FKET CAPF जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं. नेक्स्ट स्टेप में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन दिखेगा, उसको क्लिक करना है और उसमें आपको स्पेशल क्लास सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है, मेन्यू बटन के बाद स्पेशल क्लास उसमें सेलेक्ट कर लेना है. लास्ट में आपसे पूछा जाएगा इन्वाइट कोड, इन्वाइट कोड आप यूज कर सकते हैं मेरा RATHORE10 मेरा रेफरल कोड, इनवाइट कोड है. इसको अप्लाई करने के बाद आप किसी भी फ्री क्लास को, फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं और किसी की फ्री क्लास आप देख सकते हैं. याद रखें स्पेस नहीं है, RATHORE10. क्विज ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज ज्वाइन के लिए करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करें और क्विज ज्वाइन करें और शानदार अपनी प्रैक्टिस करें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाएं. आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ऐप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम ऐप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट या फिर वाईफाई डिफेंस, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, इनमें से कोई भी आप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं. इनमें आपको मिलेगी क्लास की इंपॉर्टेंट PDFs, जैसे ये सारी जो अपनी क्लास होने वाली है इसकी PDF भी मैं डालता हूँ हमेशा, फ्रेजल वर्ब और EDM की PDF. के अलावा आपको नोटिफिकेशंस जो है क्लास के वो भी मिलते रहेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी गुड. ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान की. बहुत सारे सब्सक्रिप्शन प्लान है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये इतने सारे प्लान हैं. मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 12 मंथ का या 24 मंथ का जरूर ले लेना, क्योंकि इतना टाइम आपको
कोर्स कंप्लीशन में और प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में पास होने के लिए जरूरी चाहिए। 1 मंथ 3 मंथ का वो स्टूडेंट लेता है जनरली, जिसको एक ही एग्जाम देना है, लास्ट एक महीना ही बच रहा है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं देना है, तो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। अदरवाइज 1 मंथ 3 मंथ का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता है, 12 मंथ्स 24 मंथ्स का लें। और इसमें 10% डिस्काउंट के लिए आप यूज करें RATHRE10 रेफरल कोड, मेरा रेफरल कोड अप्लाई करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, प्राइस हाइक होने वाला है दोनों ही कैटेगरीज में, चाहे वो NDA एयरफोर्स XY ग्रुप हो या फिर नेवी हो। 1 जुलाई 2021 से प्राइस हाइक हो रहे हैं और आप देख सकते हैं 1 मंथ का जो प्राइस है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस आपको बाद में रिवील किए जाएंगे, लेकिन बहुत ही सब्सटेंशियल है। जैसे 24 मंथ्स का हम देखें तो 9600 के बजाय ये 10,000 एंड समथिंग हो जाएगा। 12 मंथ्स का 8,000 है तो वो 8,000 समथिंग हो जाएगा। सेम गोज विद CDS, FCAT, CAPF। 1 जुलाई 2021 से इसमें भी प्राइस हाइक होने वाला है, आप देख सकते हैं कितना प्राइस हाइक हो रहा है, 24 मंथ का ये करीब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए सोच रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अब टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाएं, और उसके बाद भी आपको लेना है तो इस फीस में आएगा, 1 जुलाई से ऐसा होगा, तो आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आ जाओ आज के सेशन में जो कि फ्रेजल वर्ब का है। दोस्तों मैंने आपको अब तक कभी करीब 150 प्लस फ्रेजल वर्ब याद करवा दी है वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स पे, 150 से भी काफ़ी ज़्यादा मैंने फ्रेजल वर्ब याद करवाई है वाईफाई स्टडी वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स चैनल जो है यूट्यूब उस पर। और आज मैं आपका ये सेशन ले रहा हूँ जिसमें होल्ड और पुल से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब है उनको हम लोग याद करने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहली वर्ब है होल्ड बैक। दोस्तों होल्ड बैक का मतलब क्या होता है? अपने किसी भी एक्सप्रेशन को उजागर नहीं करना या उसको कंट्रोल करके रखना। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपना गुस्सा दिखाते नहीं है बल्कि उसको रोक लेते हैं, तो उसे कहा जाएगा होल्ड बैक। ठीक है, नॉट टू रिवील, अपने एक्सप्रेशंस वगैरह को या अपने किसी बात को रिवील ना करना बल्कि कंट्रोल करके रखना कहलाता होल्ड बैक। एग्जाम्पल देखते हैं, इवन वाइल टॉकिंग टू हिज सीनियर्स ही नेवर होल्ड्स बैक हिज रूड एक्सप्रेशंस, यानी कि जब वो सीनियर्स से बात करता है तो भी अपने रूड एक्सप्रेशंस को होल्ड बैक यानी कि कंट्रोल नहीं करता है, वो उनको उजागर कर देता है, कंट्रोल नहीं करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज सर्टेनली होल्डिंग बैक सम इंपॉर्टेंट ड्यूज अबाउट द मर्डर। होल्ड बैक का मतलब छुपा रहा है वो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूज मर्डर के बारे में। तो कुल मिला के जब कोई चीज छुपाई जाए या रिवील ना करनी हो या अपना गुस्सा या अपने किसी भी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना हो तो हम फ्रेजल वर्ब होल्ड बैक का यूज करेंगे। यहां पे कई स्टूडेंट्स होल्ड ऑन, होल्ड डाउन ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब को आप जैसा है वैसा याद करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगी होल्ड डाउन। होल्ड डाउन का मतलब होता है प्रिवेंट बाय फोर्स, यानी किसी भी चीज का दमन करना, सप्रेस करना, ताकत से उसको रोकना, दबाना, होल्ड डाउन कहलाता है। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, द पुलिस हेल्ड डाउन द प्रोटेस्टर्स टिल द CM पास्ड। द पुलिस हेल्ड डाउन, हेल्ड डाउन का मतलब है कि सप्रेस कर दिया उन्होंने, प्रोटेस्टर्स को दबा दिया और फोर्स का यूज करके उन्होंने प्रिवेंट कर दिया, उनको रोक दिया। ठीक है, होल्ड बाय फोर्स। नेक्स्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन और होल्ड ऑन टू एक ही जैसा होता है, एक और इसके साथ ही होल्ड ऑन टू, इसका मतलब होता है, होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी पोजीशन में बनाए रखना। होल्ड ऑन द टॉर्च टाइटली व्हेन आई चेंज द बल्ब, बल्ब चेंज द बल्ब, जब मैं बल्ब चेंज करूं तो आप होल्ड ऑन टॉर्च यानी टॉर्च को पकड़ के रखो, किसी चीज पर ग्रिप बना के रखना या किसी चीज को एक पोजिशन में बनाए रखना कहलाता है होल्ड ऑन। अच्छा, हम किसी को बोलते बोलते जब रोकना चाहें तो उसे भी कहते हैं होल्ड ऑन, यानी कि रुको, ठहरो, जहां हो उसी पोजीशन में रुको, आगे मत आओ। याद रखना, एक्सप्रेशन कंट्रोल करने के लिए होल्ड बैक का यूज होता है, लेकिन मूवमेंट के लिए हम होल्ड ऑन का यूज कर सकते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोकना है तो हम उसको कह सकते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन टू, टू कीप समथिंग ग्रिपिंग, यानी कि वही ग्रिप बना के रखना, पकड़ के रखना टाइटली। होल्ड ऑन टू द रोप टाइटली, रोप को टाइटली पकड़ के रखो, अदरवाइज यू विल स्लिप, नहीं तो तुम गिर जाओगे। ठीक है, होल्ड ऑन और होल्ड ऑन टू यहां से क्लियर हो गया होगा, शाबाश। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखें दोस्तों, होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? होल्ड आउट का मतलब होता है टू ऑफर होप और चांस।
किसी चीज के जब होने के चांसेस हों और ये आपको बताना है तो होल्ड आउट का यूज करेंगे। द रिसेंट राउंड्स ऑफ टॉक यानी बातचीत का जो ये दौर था, रिसेंट दौर जो था, बिटवीन द नक्सलाइट्स एंड द गवर्नमेंट, नक्सलाइट्स और गवर्नमेंट के बीच में जो ये रिसेंट राउंड्स ऑफ टॉक थे, होल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, उम्मीद है, चांसेस हैं कि ये जो है शांति की संभावना रखें, शांति इससे हो पाए, पीस हो पाए, तो चांसेस और कोई किसी चीज की उम्मीद या होप होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब किसी चीज की उम्मीद रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होल्ड विथ, बहुत आसान बात है, होल्ड विथ का मतलब होता है अप्रूव, किसी चीज की अनुमति दे देना कहलाता है होल्ड विथ। I completely hold with the views of Lord Kabir on religion. यानी कि Lord Kabir के जो religion पे views थे उसको hold with, यानी approve करता हूं, मानता हूं, किसी चीज को approve करना, accept करना कहलाता है hold with। अभी इसके questions भी करेंगे तो भी आप याद रखें इन सब चीजों को। और phrasal verb के मैं regular test भी ले रहा हूं, मैंने आज भी phrasal verb का एक special मैं Unacademy app में test लिया था। इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट मंथ से वीक में दो टेस्ट इसके कम से कम लूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से पूछते हैं, तो फ्रेजल वर्ब मैं आपको याद करवा दूंगा। कन्फ्यूजिंग भी है लेकिन जब हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेंगे, ठीक है। होल्ड विथ का मतलब होता है टू अप्रूव, ये हम समझ चुके हैं एग्जाम्पल से, एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है, टू एक्सेप्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। होल्ड आउट अगेंस्ट, होल्ड आउट अगेंस्ट का मतलब होता है जब कोई मुश्किल समय चल रहा हो आप उसका बहादुरी से सामना करें, उसके खिलाफ आप लड़ें, रेजिस्ट करें, तो उसे कहा जाएगा होल्ड अप अगेंस्ट, होल्ड आउट अगेंस्ट, ठीक है। होल्ड आउट अगेंस्ट टू सर्वाइव, टू रेजिस्ट और सर्वाइव इन डिफिकल्टी, डिफिकल्टी में सर्वाइव करना या रेजिस्ट करना, उसका सामना बहादुरी से करना कहलाता है होल्ड आउट अगेंस्ट। आर सोल्जर्स होल्ड आउट अगेंस्ट द एनिमी डेस्पाइट सब जीरो टेम्परेचर, यानी एक बहुत ही डिफिकल्ट यहां पर सिचुएशन है, सब जीरो टेम्परेचर यानी जीरो डिग्री से भी काफी नीचे, उसके बावजूद एनिमी यानी दुश्मन का सामना, रेजिस्ट किया, सर्वाइव किया उसको, तो उसके लिए हमने फ्रेजल वर्ब लिखी है होल्ड आउट अगेंस्ट, ठीक है दोस्तों। होल्ड आउट अगेंस्ट का मतलब होता है डिफिकल्ट पीरियड को सर्वाइव या रेजिस्ट करना। नेक्स्ट होल्ड ओवर, याद रखना इसके साथ एक और फ्रेजल वर्ब याद रखनी हमें, पुट ऑफ, यानी कि स्थगित करना, पोस्टपोन करना कहलाता है होल्ड ओवर या पुट ऑफ। होल्ड ओवर या पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना। और कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, अबैंडन करना। दोनों में क्या डिफरेंस है समझ ही गए हो आप। अगर मैच पूरा ही खत्म हो जाए बिना किसी परिणाम के तो उसे कहा जाता है कॉल ऑफ यानी कि अबैंडन, और अगर मैच को थोड़ी देर के लिए आगे खिसका दिया जाए तो उसे कहा जाएगा पुट ऑफ या होल्ड ओवर यानी पोस्टपोन। द इशू हैज बीन हेल्ड ओवर अंटिल नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग तक के लिए इस इशू को हेल्ड ओवर, यहां अपन परफेक्ट टेंस लिख रहे हैं इसलिए हेल्ड ओवर लिखा है, तो होल्ड ओवर का मतलब हो गया पोस्टपोन, ठीक है। नेक्स्ट होल्ड टुगेदर मतलब लॉजिकल बात करना, लॉजिकल होना, कोई चीज तथ्यात्मक अगर हो, लॉजिकल हो, तो उसे कहा जाता है होल्ड टुगेदर। विनीताज आर्ग्यूमेंट्स ऑफ इनोसेंस, विनीता ने आर्ग्यूमेंट किया कि वो इनोसेंट है, इनोसेंस का जो उसका आर्ग्यूमेंट था, डिड नॉट होल्ड टुगेदर बिफोर द स्ट्रांग लॉजिक ऑफ द लॉयर, तो लॉयर ने जो लॉजिक दिया था उसके सामने वो होल्ड टुगेदर नहीं किया, यानी उसके सामने लॉजिकल नहीं रहा वो जो उनका इनोसेंस का आर्ग्यूमेंट था। तो किसी चीज को तथ्यात्मक होती है तो उसे कहते हैं हम होल्ड टुगेदर, लॉजिकल। चलिए यहां पर हमारी होल्ड से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब खत्म हो गई है, क्विक रिवीजन करेंगे। होल्ड बैक का मतलब होता है एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना, गुस्सा हो या खुशी हो कोई भी एक्सप्रेशन हो उसे कंट्रोल करना, या उजागर ना करना, किसी बात को राज रहने देना, नॉट टू रिवील इज कॉल्ड होल्ड बैक। होल्ड डाउन का मतलब होता है फोर्स से दमन करना, सप्रेस करना, प्रिवेंट करना। होल्ड ऑन या होल्ड ऑन टू का मतलब होता है किसी को पकड़ के रखना, ग्रिप में रखना। होल्ड आउट का मतलब होता है चांस होना, ऑफर करना, किसी चीज की होप होना। होल्ड विथ का मतलब होता है अप्रूव करना या एक्सेप्ट करना। होल्ड आउट अगेंस्ट का मतलब होता है किसी मुश्किल पीरियड को सर्वाइव करना, रेजिस्ट करना।
होल्ड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ का मतलब होता है अबैंडन करना, रद्द करना। होल्ड टुगेदर का मतलब होता है लॉजिकल होना। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो कि दोस्तों है पुल से, एंड में इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुल से रिलेटेड हमको, पुल का वैसे तो मतलब होता है खींचना, लेकिन बहुत सारी फ्रेजल वर्ब बनती है इसके साथ। शुरू करते हैं पुल डाउन। देखो पुल डाउन के दो मतलब होते हैं, पुल डाउन के दो मतलब होते हैं। इसमें से सबसे पहला है किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देना, ध्वस्त कर देना, गिरा देना, कहलाता है पुल डाउन। और जो सेकंड मीनिंग होता है वो इसके अर्थ से, इसके मीनिंग से बिल्कुल अलग है। पुल डाउन का एक मतलब होता है पैसा कमाना भी, यानी अर्न करने को भी पुल डाउन कहा जाता है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम। पुल डाउन का मतलब होता है बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुल्ड डाउन द इलीगल कंस्ट्रक्शन। इलीगल कोई बिल्डिंग बनी हुई थी उसको गिरा दिया, यानी पुल डाउन कर दिया, तो डिस्ट्रक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट है पुल डाउन का मतलब टू अर्न, यानी कि पैसा कमाना। ही पुल्स डाउन अ ह्यूज इनकम फ्रॉम हिज जॉब, अपनी जॉब से बहुत सारी इनकम खींचता है, मतलब कि पुल डाउन करता है, यानी कि अर्न करता है, कमाता है। ठीक है, तो ये दो मतलब होते हैं पुल डाउन के। नेक्स्ट पुल इन टू या पुल इन, यानी कि एंटर, प्रवेश करना, कहीं पर प्रवेश करने के लिए भी पुल इन या पुल इन टू का यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स। व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन टू द स्टेशन, जब स्टेशन में एंटर हुई, पुल इन टू का मतलब हो जाएगा यहां सीधा सा एंटर। इट वॉज 2 आवर्स लेट, 2 घंटे हो चुके थे उसको लेट हुए, तब जाके उसने एंट्री ली है, एंटर किया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पुल ऑफ या पुल थ्रू, बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कोई काम करने में सफलता प्राप्त करना। ये पुल ऑफ के साथ याद कर सकते हैं आप, ब्रिंग ऑफ, कम ऑफ, पुल ऑफ तो आपने याद ही कर लिया, तो ये ओ डबल एफ से बना है ऑफ, इसके साथ याद कर सकते हैं पुल ऑफ, ब्रिंग ऑफ, कम ऑफ, इन सब का मतलब होता है, या गेट ऑफ, इन सब का मतलब होता है सक्सीड इन डूइंग समथिंग, कोई काम करने में सफलता प्राप्त करना। ब्रिंग ऑफ का इसके अलावा मतलब ये भी होता है किसी को रेस्क्यू करना, बचाना, एस्केप करना, यानी कि बुरी परिस्थिति से बाहर निकलना। तो ब्रिंग ऑफ के काफी सारे मतलब हैं, लेकिन इन सब का एक मतलब ये भी है सक्सीड होना। ठीक है, एक साथ लिंक बना के याद करोगे तो बहुत सारी याद होगी भैया, सिनोनियम्स भी साथ में याद करते जाओ तो एक साथ लिंक में बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, नहीं तो ये एंड में जाके बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। पुल ऑफ या पुल थ्रू मतलब सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, कोई मुश्किल काम करने में सफलता प्राप्त करना। इंडिया पुल्ड ऑफ ए चैलेंजिंग सीरीज विन डाउन अंडर, भारत ने एक बहुत ही चैलेंजिंग सीरीज पुल ऑफ यानी कि जीत ली है, या सक्सेसफुल हो गए हैं उस सीरीज के अंदर, तो इसके लिए अपन ने लिखा है पुल ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट पुल आउट, बहुत सुनी होगी, टू विड्रॉ, टू लीव, किसी चीज से अपना हाथ वापस बाहर निकाल लेना या विड्रॉ कर लेना, कहीं से छोड़ के चले जाना, इज कॉल्ड पुल आउट। द बिजनेस वॉज इनकरिंग लॉस ईयर आफ्टर ईयर, यानी हर साल उनको लॉस इनकर हो रहा था, नुकसान हो रहा था। एंड आई हैड टू पुल आउट ऑफ इट, पुल आउट यानी बिजनेस से मुझे विड्रॉ करना पड़ा, बिजनेस बंद करना पड़ा, पुल आउट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच द स्टेशन आई फाउंड, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने पाया दैट द ट्रेन हैड पुल्ड आउट जस्ट मिनट बिफोर, ट्रेन निकल गई है, लीव, पुल आउट का मतलब लीव कर गई है, स्टेशन से चली गई है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो लीव या विड्रॉ के सेंस में हम यूज करते हैं पुल आउट। चलिए भैया, नेक्स्ट है पुल राउंड, इसके साथ हमको और याद करनी है, कम राउंड और ब्रिंग राउंड। कम राउंड और ब्रिंग राउंड के और भी कई मतलब होते हैं, लेकिन एक मतलब ये भी होता है जो पुल राउंड का होता है, यानी कि बीमारी से स्वस्थ होना। कोई बीमार था, इलनेस में था, आफ्टर इलनेस, और उसके बाद जब वो रिगेन करता है हेल्थ को, वापस से जब स्वस्थ हो जाता है, तो उसे कहा जाता है पुल राउंड। और ऐसा ही मतलब कम राउंड और ब्रिंग राउंड का भी होता है। ठीक है, तो टू बिकम हेल्दी अगेन आफ्टर इलनेस इज कॉल्ड पुल राउंड। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के बाद, शी इज पुलिंग राउंड फास्ट, यानी कि वो जल्दी रिकवर हो रही है। ठीक है, रिगेन कर रही है हेल्थ को, रिकवर। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट पुल समवन अप, बहुत अच्छा है। पुल समवन अप का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या गलती के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना या डांटना, रेप्रिमेंड करना, सजा देना, इसे कहते हैं पुल समवन अप। यहाँ बीच में समवन इसलिए लिखा है बिकॉज पुल और अप के बीच में एक ऑब्जेक्ट होगा, पुल और अप के बीच में कोई ऑब्जेक्ट जरूर हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज पुल्ड अप सिवेयरली बाय द मैनेजर फॉर हिज प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिहेवियर। सबसे पहले तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है चीजों को आगे टालना, है ना। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है वो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों वाला, है ना। चीजों को जो आगे समय पे टालता है, समय पे नहीं करता, आगे के लिए टाल देता है, उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट बिहेवियर। अब पुल अप का मतलब हो गया यहां पर क्रिटिसाइज किया उसे मैनेजर ने। अच्छा, अब आप एक बात कहेंगे कि सर पुल और अप के बीच में आपने तो कहा था समवन होगा, यहां तो कोई समवन है ही नहीं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है और जो समवन था उसको तो सब्जेक्ट बना दिया है। एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा था, द मैनेजर पुल्ड हिम अप सिवेयरली, ये आ गया ना पुल और आपके बीच में हिम। लेकिन जब हमने पेसिव वॉइस किया तो इस ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, तब जाके आपको पुल अप के बीच में कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। पुल समवन अप का मतलब होता है किसी को डांटना या जिम्मेदार ठहराना किसी चीज के लिए, किसी गलती का जिम्मेदार ठहराना होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे हमने सारे याद कर लिए पुल से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट से। पुल डाउन का मतलब होता है कोई बिल्डिंग वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देना या फिर पैसा कमाना। पुल इनटू का मतलब होता है एंटर। पुल ऑफ या पुल थ्रू का मतलब होता है किसी मुश्किल काम को सफलतापूर्वक करना, सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। इसके साथ हमने ब्रिंग ऑफ और कम ऑफ और गेट ऑफ भी याद किया। पुल आउट का मतलब होता है विदड्रॉ करना या कहीं से चले जाना। पुल राउंड के साथ में हमने याद किया था ब्रिंग राउंड और कम राउंड, जिसका मतलब होता है रिकवर होना बीमारी से, रिगेन हेल्थ। पुल समवन अप का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन या टू हेल्ड अप समवन रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग या टू रेप्रिमेंड समवन। अब यहां से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर करेंगे। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर, बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ के आए। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है, और गुस्सा या किसी भी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज क्या करते हैं दोस्तों, हम यूज करते हैं होल्ड बैक का। तो डी इज द राइट आंसर, शाबाश, वेरी गुड। यहां पे होल्ड ऑन बड़ा अच्छा लगेगा देखने में पर गलत है। होल्ड बैक का मतलब होता है एक्सप्रेशन कंट्रोल करना। नेक्स्ट, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी पुल्ड डैश। बिल्डिंग सेफ नहीं है इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा, और बिल्डिंग वगैरह गिराना, डिस्ट्रॉय करना होता है पुल डाउन। क्या होता है दोस्तों, पुल डाउन, हमने याद किया है, तो बी इज योर आंसर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज पुल्ड अप बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आपको मतलब बताना है पुल्ड अप का, यहां फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, सीधा अपन को मीनिंग बताना है पुल अप का। प्रेज्ड यानी तारीफ करना, नहीं। ड्रैग्ड यानी कहीं खींचना, नहीं। क्लियर्ड, बिल्कुल नहीं। बल्कि रेप्रिमेंड, क्रिटिसाइज करना या फिर किसी को डांटना, सजा देना, उसे कहते हैं पुल अप। ये भी देखो पेशियों में लिखा है इसलिए बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो रेप्रिमेंड हो जाएगा आपका आंसर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शी पुल्ड डैश सम एक्स्ट्रा मनी Each other working the night shift। चलिए आगे तो गलत सा लग रहा है ये, इसको तो इग्नोर करना। इसको देखो पुल डैश सम एक्स्ट्रा मनी देखेंगे। नाइट शिफ्ट में काम करके थोड़ा सा पैसा और कमाती है तो पुल डाउन हो जाएगा आंसर, बिकॉज अर्न मनी के लिए पुल डाउन का यूज करते हैं। पुल डाउन के दो मतलब देखे हमने, देख लेना आप, एक तो बिल्डिंग वगैरह डिस्ट्रॉय करना और एक होता है पैसा कमाना, तो पुल डाउन हो जाएगा यहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही पुल्ड डैश इन द एंड बट इट वॉज टच एंड गो फॉर अ वाइल, फॉर वाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ही पुल्ड डैश इन द एंड यानी कि एंड में वो जीत गया
बट इट वॉज टच एंड गो. टच एंड गो का मतलब बहुत कम अंदर से अंतर से जब कोई जीतता है ना, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस से जब कोई जीतता है, उसे कहते हैं हम टच एंड गो. ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो मामला जो है बहुत ही कम अंतर का था, बहुत ही टच एंड गो का था, लेकिन फिर भी एंड में वो जीत गया. और जीतने के लिए हम क्या लिखते हैं, पुल ऑफ या पुल थ्रू. ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन में पुल ऑफ है, तो सी इज योर आंसर. आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा. और एंड में जी हमारे क्वेश्चंस भी हो गए, और इनको याद भी कर लेना. नेक्स्ट सेशन में फिर से आपको कुछ बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब्स में आपको याद करवाने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी 150 प्लस करवा चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है देख लेना हमारे चैनल वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स पे. आपको फिर से याद दिला देता हूँ, 1 जुलाई से प्राइस हाइक होने वाला है, तो जल्दी सब्सक्रिप्शन लें, 1 जुलाई से पहले लें, ताकि आपको बढ़ी हुई कीमतों पर ना खरीदना पड़े, अभी हो जाए. RETHRE कोड का यूज़ करें, ताकि आपको 10% का उसके लिए डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों. RETHRE10 रेफरल कोड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द सेशंस. और उसके बाद आप लाइक कर दीजिए सेशन को, और कमेंट करके बताइए कि आपको और आगे क्या पढ़ना है, या जो भी आपकी राय है उसको कमेंट कर देना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना. चलिए, थैंक यू, मिलेंगे अगले सेशन में. जय हिंद, जय भारत.